गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। आज हम पढ़ेंगे आपकी मैथ्स के टेक्स्ट बुक का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है 10th, जिसका नाम है कंज्यूमर मैथ्स। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसका वार्म अप एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपको सबसे पहले जो आपका फर्स्ट पेज है आज हम सिर्फ उसी को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स देखिए, मनी इज़ यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वेल्थ एंड मोड ऑफ पेमेंट। मनी कम्स इन टू फॉर्म्स, करेंसी नोट्स एंड मेटल कॉइन्स। मनी इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ करेंसी नोट्स एंड मेटल कॉइन्स कॉल्ड एज रुपीज एंड पैसे। रुपीज शोन बाय द सिंबल दिस एंड पैसे शोन बाय द सिंबल पी। वी नो दैट 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पी। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको क्या बता रखा है, जो मनी होती है हमारी वो क्या होती है, एक हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। यानी कि इसके अगर हम किसी को मनी देते हैं एंड जो हमको चाहिए, जैसे कि आपको चॉकलेट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, जो आपका शॉपकीपर है आप उसे रुपीज़ देंगे एंड बदले में आप चॉकलेट लेंगे। तो ये क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ओके एंड ये क्या है, मेजर ऑफ वेल्थ है। ओके किसके पास कितने रुपीज़ होते हैं उसका मेजर करने के लिए भी ये ही काम आते हैं। क्या चीज़, रुपीज़। ओके एंड पेमेंट का एक तरीका है। ओके स्टूडेंट्स तो जो हमारी मनी है ओके उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रुपीज़ एंड पैसे। ओके स्टूडेंट्स तो रुपीज़ हम कैसे लिखते हैं, र के सिंबल से जो आपको यहाँ दिख रहा है। ओके एंड पैसे को हम लोग सिंपली पी से लिखते हैं। और बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1 रुपीज़ इक्वल टू कितना होता है, 100 पैसास। ओके स्टूडेंट्स क्लियर है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम सिंपली आपका जो वार्म अप का फर्स्ट पेज है उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दे रखे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए, कैलकुलेट। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पर चलते हैं, यहाँ आपको दे रखा है 70 पैसे माइनस 25 पैसे। तो स्टूडेंट्स आपको एक कॉलम के अंदर अरेंज करना अच्छे से आना चाहिए कि आप लोग पैसे का कॉलम कहाँ लिखते हैं, जो कॉलम है आपका उसको आप कहाँ लिखेंगे, जो पैसे का आपका कॉलम है ओके वो आप लिखेंगे राइट साइड में एंड जो रुपीज़ का है वो होगा आपके लेफ्ट साइड में। ओके स्टूडेंट्स आपके राइट हैंड साइड में पैसे का एंड जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उसकी तरफ क्या होगा, रुपीज़ का कॉलम होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स 70 माइनस 25, तो बच्चों यहाँ क्या है 70, तो बच्चों 0 में से 5 नहीं जा सकते, इसलिए हम 0 का बनाएंगे 10, 7 से एक कैरी लेकर हम बनाएंगे 10 एंड 10 में से 5 गए तो 5 एंड 7 का यहाँ बचेगा 6, तो 6 में से 2 गए तो 4। ओके स्टूडेंट्स क्लियर है आपको, तो यहाँ के आंसर आ जाएगा 45 पैसे। ओके नेक्स्ट देखिए 85 प्लस 10। तो स्टूडेंट्स अब आपको यहाँ क्या करना है, एडिशन करना है। तो देखिए 5 प्लस 0 5 एंड 8 प्लस 1 9, तो यहाँ के आंसर आ जाएगा 95 पैसे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स थर्ड 27 रुपीज़ 50 पैसे माइनस 19 रुपीज़ 90 पैसे। ओके स्टूडेंट्स इसको आप रीड आउट कैसे करेंगे, सबसे पहले आप रुपीज़ वाला टर्म पढ़ेंगे 27 रुपीज़ 50 पैसे एंड माइनस 19 रुपीज़ 90 पैसे। तो देखिए स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, 0 माइनस 0 0, 5 में से स्टूडेंट्स 9 नहीं हम सब्ट्रैक्ट कर सकते, तो हम क्या करेंगे 5 को हम लोग बनाएंगे 15, 7 से एक कैरी लेकर के। ओके तो देखिए स्टूडेंट्स 15 माइनस 9 6। ओके एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखिए क्या हो जाएगा, 7 में से हम लोग 9 को माइनस नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 16, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने 7 से एक कैरी लेकर के 15 को दिया था। ओके तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 एंड अगर हम 16 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 9 में से तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 7। ओके स्टूडेंट्स एंड यहाँ 2 कट के क्या हो जाएगा, 1 एंड 1 माइनस 1 इज 0। ओके स्टूडेंट्स तो यहाँ क्या जाएगा, 7 रुपीज़ 60 पैसे। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो आपका 7 है, रुपीज़ का जो कॉलम है आपका 27 वाला नंबर है, इसमें आप 7 को काट के क्या लिखेंगे, 16। ओके स्टूडेंट्स मैंने यहाँ मिस्टेक से नहीं लिखा है लेकिन आपको ये लिखना है। ओके स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट देखिए 34 रुपीज़ 27 पैसे प्लस 59 रुपीज़ 29 पैसे। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको अगेन एडिशन करना है, तो एडिशन बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, आप सबको आता है अच्छे से। तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, 93 रुपीज़ एंड 56 पैसे। नेक्स्ट देखिए बच्चों अगेन एडिशन है, यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, 99 रुपीज़ एंड 1 पैसे। क्लियर है स्टूडेंट्स, जो एडिशन है वो बहुत ही ईजी होते हैं, सब्ट्रैक्शन है वो भी बहुत ही ईजी होते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आप सब अपने आप करेंगे। ओके नेक्स्ट देखिए एडिशन आपका 20 रुपीज़ 0 पैसे प्लस 14 रुपीज़ एंड 92 पैसे। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या आएगा, 34 रुपीज़ 92 पैसे। नेक्स्ट देखिए
₹90.65 माइनस ₹80.75। तो स्टूडेंट्स यहाँ अगेन आपको क्या करना है, कैरी करना है। ओके, आप यहाँ से एक नंबर बोरो करेंगे, कैरी लगाएंगे, फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए 5 माइनस 5 0, बच्चों 6 में 7 नहीं जाएंगे, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका 16 बनाएंगे जीरो से कैरी लेकर के। ओके, तो 16 माइनस 7 इज 9। अब बच्चों जो जीरो है रुपीज़ वाले कॉलम में, इसका बनना तो चाहिए था 10, लेकिन यहाँ से हमने कैरी लेकर 6 को दिया था, इसीलिए यहाँ क्या बन जाएगा, 9। तो बच्चों 9 माइनस 0 9, एंड यहाँ अब 9 की जगह क्या हो जाएगा, 8। तो स्टूडेंट्स 8 माइनस 8 इज 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 रुपीज़ 90 पैसे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, एडिशन है इसका एग्जाम्पल, सॉरी इसका आंसर क्या आएगा, 52 रुपीज़ एंड 58 पैसे। नेक्स्ट देखिए 49 रुपीज़ 27 पैसे माइनस 17 रुपीज़ 64 पैसे, बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, 31 रुपीज़ 63 पैसे। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए 12th, 81 रुपीज़ 70 पैसे माइनस 64 रुपीज़ 90 पैसे, बच्चों अगेन यहाँ पे हमें कैरी लेनी है, एंड देन इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16 रुपीज़ 80 पैसे। तो स्टूडेंट्स आपको जो पेज नंबर 119 है, ये आपको अपने आप से सॉल्व करना है। मैंने आपको कुछ सब्ट्रैक्शंस, कुछ एडिशन समझाए हैं कि हम कैसे करते हैं, और जो इसके आगे के क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आप क्या करेंगे, एक बार जो आपका फर्स्ट से लेकर 12th तक क्वेश्चन है उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि आप लोग इजीली इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो आपका वार्म अप का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। ओके बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, डन। बच्चों इसके आगे के जो क्वेश्चन है आपके 4 क्वेश्चन BCDE, वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके एंड स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको, तो आपको ये अच्छे से लर्न करना है, समझना है कि आप लोग कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने बहुत जो आपके पहले के चैप्टर्स एडिशन सब्ट्रैक्शन, वहाँ हमने ये बहुत अच्छे से सीखे हैं। ओके